सलमान, कितना कुछ है हमारे मुल्क में ना, सहरा, दरिया, पहाड़, खूबसूरती, हरियाली, इतना सारा कुलूस, इतना खूबसूरत कल्चर। बट सैडली आयशा, हमारे पास टाइम ही कहाँ है इनको एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, वैसे ये तो है। हेलो, दिस इज शेफ आयशा। दिस इज शेफ लमान मलिक और हम निकले हैं अपने मुल्क से आशना होने। मगर लमान, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा ना, वहीं पे चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। बिल्कुल आयशा, यही है हमारा ट्विस्ट, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे हम खाने को अपने जायके का तड़का लगा के उनका दिल जीत लेंगे। तो चले फिर। चले। चलो। कराची, रोशनियों के शहर में है मिल लमान। तुम्हें पता है आयशा, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पे लोग जगह जगह से आते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने। यहाँ पे आके काम सीख के वापस अपने शहरों में जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल, आज मैं और तुम भी कराची की सैर करें। चलें। चलो। चलें। लमान, वो देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे कुकिंग क्लासेस भी होती है यार। वाओ, अंदर चल के देखें क्या होता है। चलें। चलो। वाओ, ब्यूटी सैलून भी है यहाँ पे लमान। ये तो काफी अच्छा है, मुझे नर्सरी टाइप का लग रहा है। मे बी इसकी भी कोई क्लासेस होती हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही नर्सरी जैसा बनाया हुआ है। लमान, ये जगह कितनी वेल मेंटेन लग रही है। यस, वेरी वेल केप्ट। है ना? बेहतरीन। वो देखो, करियर काउंसलिंग सेंटर। देखिए यहाँ पे कौन-कौन से करियर सेंटर होंगे। चले। ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अंदर आ सकते हैं? जी जरूर। जी, मैं आयशा हूँ। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो ये आपका जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कुकिंग क्लासेस आपको ही देते हैं, तो मैं चाहती थी कि आप हमें इस बारे में बताएं, क्योंकि मैं भी शेफ हूँ। आई रियली वांट टू नो कि इसमें क्या आप जी आप लोग तशरीफ रखिए, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। थैंक यू। मैं रजिया तारिक हूँ और मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कुकिंग कोर्सेज हैं सिर्फ यही होते हैं? देखिए, कुकिंग का ये है कि हम काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें 6 मंथ के भी कोर्सेज हैं हमारे पास, 3 मंथ के हैं, और प्रोफेशनल कुकिंग भी है। इसके अलावा जो एक डोमेस्टिक कुकिंग होती है, बेकिंग है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, ऐसा होता है जब कोई यहाँ से पढ़ के जाए और वो किसी अच्छी नौकरी पे लगे, या कोई अच्छा अपना छोटा सा बड़ा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करे, मिलने टीचर्स से, तो वो वाकई उनको थैंक यू करे कि आपने हमारी जिंदगी, कोई फर्क आता है? बहुत ज्यादा फर्क आता है। वो ना सिर्फ इस तरह से होता है, बल्कि वो अपनी पूरी सक्सेस स्टोरीज बता रही होती है और अपने साथ अपनी कजिन्स को, अपनी आंटीज को लेकर आती है कि आप भी यहाँ पर आके हैं, मतलब अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को फारिग टाइम में जब उनको होता है तो वो यहाँ पे एडमिशन करवाएं हमारे। अच्छा, तो यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो यहाँ से निकल के जॉब्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं कोई अपना? इसका जो टाइटल है वो भी है यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। USAID ने इस पर काफ़ी हमें असिस्ट किया है, और ना सिर्फ हम बल्कि इस इलाके के काफ़ी जो बच्चियाँ हैं हमारे पास आके और वो ट्रेनिंग ले रही हैं। कुछ उसमें से ऐसी हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके काम कर रही हैं, और कुछ बच्चे अपना छोटे छोटे से यूनिट बना लिए हैं, जो बहुत इंकरेजिंग है हमारे लिए भी, और एक सक्सेस स्टोरी जिसको कहते हैं ना, खुशी की बात है कि ना सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है बल्कि अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए वो एक इनकम जनरेशन का पार्ट, मतलब उसमें हिस्सा ले रही है। अच्छा, अगर आप बुरा नहीं माने, आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो हम आपका इंस्टीट्यूट देख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए कि आप आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आप देखिए। ये हमारे ड्रेस मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग का यूनिट है। ये तमाम मशीन हमें USAID ने मुहैया की हैं, जिसके तहत हम ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैडम, यहाँ पे कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? तकरीबन 20 के करीब तो हम एक साथ करवा सकते हैं। जबरदस्त, यहाँ पे लड़के भी मौजूद हैं, इनसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? कैरियर से ठीक ठाक? लमान नाम है मेरा। आप क्या कर रहे हैं? पैंट के लिए पॉकेट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो ही मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या इरादा है फ्यूचर में आपका? बहुत शौक है फैशन डिजाइनिंग करने का, तो
तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक कोर्स मैं कर चुका हूँ यहाँ से, अब मैं दूसरे के लिए एडवांस कोर्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। मतलब फ्यूचर में मैं आपको फैशन डिजाइनर देखूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुकान से कोई भी, जैसे मैं ड्रेस देखता हूँ तो उससे मेरी इंस्पिरेशन आती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकूँ। तो आई एम थैंकफुल USID का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया कि मैं कुछ कर सकूँ। ज़बरदस्त, तो मतलब मैं ये उम्मीद करूँ कि इन फ्यूचर आप एक बड़े डिज़ाइनर बनेंगे, आपके नाम की शर्ट्स, आपके नाम का ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अब मैं पूछती हूँ, इनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमाम। इमाम साहब ये बताइए, अभी आप कहाँ काम करते हैं? अभी मैं टेक्सटाइल मिल में काम करता हूँ। और काम आप क्या करते हैं? मैं क्वालिटी चेकर। क्वालिटी चेकर है वहाँ पे। अगर आप ये बताएं कि कपड़े को देख के आप बता सकते हैं क्वालिटी अच्छी है बुरी है? जी जी मैं बता सकता हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग आपने पूरी ली है, ये कितने टाइम की ट्रेनिंग है? ये मैंने तकरीबन एक महीने। ये सारी ट्रेनिंग आपकी किसने की? ये USAID ने, का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे ट्रेनिंग दिया और मैं इस काम के लिए काबिल बनाया। अल्लाह शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। शादी हुई भी आपकी? नहीं, मैं शादी नहीं। अच्छा, अभी जो आप कमाते हैं, जब घर वालों को देते हैं, तो वो किस तरह से खुशी का साथ? वो बहुत खुश होते हैं। खुश होते हैं क्योंकि हमारा बच्चा कमा रहा है और हमें आगे सपोर्ट कर रहा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बस ऐसे ही अच्छा अच्छा काम आप करते रहें, खुश रहें हमेशा। चलिए जी चलते हैं, कुछ और देखते हैं। ये देखिए हमारे किचन है और यहाँ पर हम कुकिंग की क्लासेस करवाते हैं। वाओ, कितना बड़ा किचन है ये लमान। वाओ, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना पका सकते हैं क्या? बिल्कुल। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपका आपकी आप जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, तो एकदम ज़ाहिर है अचानक से हुआ है सब कुछ, तो क्यों ना आपके साथ मिलके हम एक मास्टर क्लास अरेंज करवा लें यहाँ पे। Oh my God, master class, हाँ, sure, why not? हमें तो बहुत अच्छा लगेगा master class करने में, लोगों को सिखाने में, why not लमान? बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती हैं वो एक घंटे में होती हैं, तो जिस तरह आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कुकिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने लोगों की क्लास लेनी है। और ये कि आप समझे कि आपके लिए एक चैलेंज चाहिए। एक घंटा चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो भागते हैं और चीजें देखते हैं। चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन बनाना क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम सिंध में हैं तो सिंधी बिरयानी बनाएं। Let's make सिंधी बिरयानी, जल्दी जल्दी। सुनो सामान सारा चेक करो, ये फ्रिज में कुछ है क्या? तुम इसमें से कुछ, मैं एप्रन पहन के आती हूँ, सही है? तुम जब तक सामान देखो। एप्रन एप्रन लमान, सुनो ये एक एप्रन तुम पहन लेना, एक मैं पहन लूँगी। ओके, एक एप्रन पहन लेती हूँ। टमाटर, टमाटर आ गए, गुड गुड। और देखो आलू भी है। आलू है, आलू लाओ जल्दी जल्दी से, सामान लाओ सारा। ओ चावल, सुनो अच्छा सारे मसाले तो हो गए हैं, तुम इससे पहले के काम स्टार्ट करो, मास्टर क्लास हम स्टार्ट करेंगे। चावल ना भी बोलो, इसको अरेंज कर रहे हो? स्टार्ट नहीं करना अभी, मास्टर क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ अरेंज कर, ठीक है? मैं बस इसको भिगो के ला रही हूँ। चावल मैंने भिगो दिए हैं, अभी इसको ना थोड़ी देर सेट होने देंगे, उसके बाद फिर सबको निकालेंगे। थोड़ी देर रखते हैं, मैंने आपके लिए छुरी भी दस कर दी है, सारी चीजें हैं हमारे पास, सब चीजें रेडी हैं। मास्टर क्लास शुरू करें, लेट्स डू इट। आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल राइट, सारी लड़कियां जो है यहाँ आ जाए, आगे आ जाए, हम कर रहे हैं मास्टर क्लास स्टार्ट। आ जाए आ जाए, हमें कम 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 सिंधी बिरयानी बना रहे हैं एंड हमें चैलेंज मिला है, एक घंटे में बना रही है सिंधी बिरयानी। सो लेट्स सी कि हम आपको सिखाते भी हैं, बनाते भी हैं, मिलते, ठीक है? शुरू करें। चलिए जी शेफ नमान, आप जरा प्याज काटें। प्याज काटने की एक बड़ी, इससे पहले क्या प्याज काटना स्टार्ट हो, पहले ये बताएं ये क्यों है? ये एक कपड़ा हमने रखा चॉपिंग बोर्ड के नीचे और उसको हमने गीला कर दिया। गीला क्यों किया शेफ नमान? गीला इसलिए किया ताकि आपका कटिंग बोर्ड जो है स्लिप ना हो। जब आप कटिंग बोर्ड पे कटिंग करते हैं हिल रहे हैं, जब आप ये हिल रहा होगा आपकी उंगली खतरे में, ठीक है? छुरी भी ग्रिप में होनी चाहिए, कटिंग बोर्ड भी ग्रिप में होना चाहिए, कपड़ा इसको हिलने से रोकेगा। जैसे मेरा कटिंग बोर्ड हिल रहा है, क्योंकि कपड़ा नहीं है, ये नहीं हिल रहा, ठीक है? तुम प्याज काटो, मैं टमाटर काटती हूँ एंड झटपट। अच्छा पता है आज जो हम बिरयानी बनाएंगे ना, मुझे यहाँ पे सारी लड़कियाँ बड़ी स्लिम स्लिम, बड़ी जो है ना वो नाजुक सी दिखाई दे रही हैं बिरयानी खाने का। इवन अगर आपको शौक भी है ना, तो भी अगर आप ज़्यादा मसाला उसमें रखें और कम चावल रखें तो दैट इज़ नॉट फैटनिंग एट ऑल। तो आज जो बिरयानी हम बनाएंगे उसमें बहुत सारा मसाला रखेंगे, चटपटी मिर्च वाली बनाएंगे और चावल थोड़े कम रखेंगे, सही है?
बाय द वे जब घर में बिरयानी बनती है तो सब शौक से खाते होंगे लेकिन है ना बहुत लेकिन कोई भी ये सोच के नहीं खाता होगा कि सेहत के लिए अच्छी है तो एक काम करते हैं बिरयानी में जो जो चीज़ें हैं ना उनकी सेहत के बारे में बात करते हैं कि किस किस तरह से वो न्यूट्रिशन है आपके लिए ठीक है प्याज से स्टार्ट करते हैं आपको पता है प्याज में इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं कि जब आप बहुत सारे प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बैक्टीरियाज अटैक नहीं करते बहुत सारी बीमारियाँ आप पे अटैक नहीं करती नज़ला बुखार खांसी अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करें नंबर वन नंबर टू अगर आप टमाटर को खाएं तो इसमें जो विटामिन सी होता है उससे आपकी जिल्द भी खूबसूरत हो जाती है आप में एनर्जी भी रहती है कैंसर से भी आपको इन द लॉन्ग रन बचाता है एक और बहुत ही मज़े की टाइम सेविंग ट्रिक है और वो ये है कि जिस पतीले में आपने चावलों को भिगोया हो ना उसी पतीले में उसको उबलने के लिए रख दें अक्सर लोग ये कहते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा खोलना ज़रूरी है बिल्कुल है लेकिन अगर आप अपनी नज़र के सामने रखेंगे जैसे ही चावल में एक कणी रह जाए फौरन उसको दम लगा देंगे तो बिल्कुल भी चावल हलवा नहीं होंगे अच्छे से बनेंगे आपने तीनों चीज़ों को स्प्रेड किया प्याज अलग सालन अलग चावल अलग तीनों का मर्ज बिरयानी तैयार बिल्कुल और लमान अगर हमें एक घंटे में बनानी है ना तो ये तो करना पड़ेगा अच्छा और इस तरह से क्या होगा हर चीज़ का जायका भी मजे का रहेगा न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार आ रहेगी वाई बिकॉज हम किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की वजह से ओवर कुक नहीं कर रहे एक काम करते हैं ये चिकन और भी जल्दी गल जाए सबसे पुरानी ट्रिक सबसे पुराना तरीका कटन लगाएंगे इसको एक मिनट एक सवाल है इसमें ऐड होगी हरी मिर्चें वगैरह बिल्कुल होंगी अच्छा अब यहाँ पे आ गई हमारी एक और ट्रिक पहले मैं इस पे लगाऊंगी ढक्कन ये इस पे आ गया परफेक्ट प्याज हमारी हो चुकी है ब्राउन प्याज हो चुकी है ब्राउन और लमाना पे काम करें कि जब तक यहाँ पे प्याज पकते रहेंगे तब तक हम कुछ चीजें अलग से पका लेंगे क्यों लमाना मैंने तेल रेडी कर दिया है तो ऐड कर दीजिए वाओ वेरी नाइस अच्छा अब हम टाइम को ऐसे सेव करेंगे यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम पहले प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं और फिर चिकन को पकाते हैं लेकिन क्योंकि हमने चैलेंज ले लिया है ना तो चैलेंज का मतलब है कि जल्दी जल्दी काम को करना है तो ऑयल गर्म करेंगे इस ऑयल में हम ऐड कर देंगे चिकन आर मैजिकल सिंधी बिरयानी मसाला इज ऑल्सो रेडी इसको ऐड कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा सेव व्हाट डू यू से लमान बेहतरीन हो गया ऐसा ऐड कर दो इसमें और लमान टाइम कम है मुकाबला सकते हैं लेकिन ये जो हमने काम किया है ना इसमें हमने तकरीबन 20 मिनट जो नॉर्मल बिरयानी में लगते हैं वो हमने बचा लिए क्यों चिकन अलग पकाई है टमाटर अलग पकाए आप क्या बोल रहे हैं बेहतरीन अच्छा मैं ये कह रहा था एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोग सोचेंगे हरी मिर्च मैंने पहले शुरू में ऐड क्यों नहीं की अगर आप तेल में एज इट इज हरी मिर्च ऐड करेंगे ना फ्लेवर नहीं आएगा एक और मसला होगा नमान आपको बहुत पीछे खड़ा होना पड़ेगा उसके बाद जो हरी मिर्चों के साथ बबल सीजन सारे अफेक्ट होंगे ना वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं अच्छा अब इसको आप पकाएं ढक्कन लगा के या ढक्कन लगाए बगैर ढक्कन लगा के पकाते हैं इसको हम ढक्कन लगा के नहीं पकाते आस वाई क्यों आपको ये गैस करना होता है कि अब चिकन गल गई है आलू गल गए हैं प्याज को ऑब्वियसली हमने पहले से गला के रखे हुए थे अब बिरयानी का लुक देने के लिए और जो बिरयानी की बेसिक एसेंस है वो देने के लिए ज़रूरी है कि इसमें एक ज़र्रा भी पानी ना हो अगर इसमें पानी होगा हम दम लगाएंगे एक हलवा तैयार हो जाएगा हलवा नहीं बनाना इस पानी को करना है ड्राई खुश इतना खुश कर दे इस पानी को कि लिटरली ये लगना स्टार्ट हो जाए हाँ मैं आग जस्ट कर दी और इस आंच को हम कर देते हैं फुल एक इम्पॉर्टेंट बात का आप ख्याल रखिएगा कि जितना बड़ा पतीला होगा चावलों के लिए उतने चावल खिले खिले नजर आएंगे बिल्कुल सही कह रही है और आप बादियान के फूल दालचीनी तेजपात और बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालना भूल गई ये भूल नहीं गई मैं चाहती थी कोई ट्रिक आपकी तरफ से भी तो आए ना चावल को खुशबूदार मजेदार जबरदस्त डोंट वरी वो अभी लग नहीं रहा और हल्का सा लगे तो अच्छी बात है वो जरा पानी बिल्कुल अच्छा सा इवेपोरेट हो जाएगा एंड लमान लुक एट दिस सो दिस इज आवर बिरयानी झटपट सी सिंधी बिरयानी आई होप यू लाइक इट डम हो चुका है इसका बिल्कुल कंप्लीट अब आप लोग जाके आराम से बैठें प्लेट प्लेट सारी चीजें जो है वो आपके पास खुद बखुद आ जाएंगी बिरयानी हम लेके आएंगे तो लमान हम सर्व करना स्टार्ट करते हैं लेकिन आप लोग प्लीज जाके पहले बैठ जाएं ठीक है आप मुझे चम्मच दीजिए ठीक है चलें जी चलो पहले चूल्हा ऑफ करें चूल्हा ऑफ करें हां बेहतरीन खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है सुनो मैं तुम्हें ट्रे ला के दूं ट्रे में सर्व करूं क्योंकि ये अगर ठंडी हो गई ना तो मजा नहीं आएगा चलो जल्दी ट्रे लेकर लमान
सिर्फ 10 मिनट रहते हैं एंड वी कंप्लीटेड आवर चैलेंज नंबर 1 हम टाइम पे बना ले है ना ठीक है बहुत आराम से तक चिकन की बोटियां तोड़ लेना ध्यान से करना पता चला कि अगर हमने इसको तोड़ दिया या इस डेक को गिरा दिया तो फिर हमारा 1 घंटे से कम में करने का कोई फायदा नहीं होगा फिर फिर ऊपर जाके सबको करती है ये हमारी दूसरी ट्रे भी आ गई है एंड अब करती हूँ मैं इसको भी हम करते हैं झटपट सर्व मैं एक तुम दो ट्रे लेकर आई मैं एक और ट्रे लेकर आता हूँ ठीक है लमान बस काफी है नहीं ओफो लमान हमें टाइम पे सर्व करनी है हमने जल्दी बना लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें अब इतना टाइम लगाएं आलू हमारे गल चुके हैं दाना दाना एंड बिरयानी लेके अच्छा मेरा दिल चाह रहा है उनके साथ बैठ के मैं भी खाऊंगा बहुत साफ साफ बोलो भूख भी लग रही है और देखना भी है कैसे बनाई है बिरयानी बस बहुत ज़्यादा आप इसको भरो नहीं चलो सही That's it बस थोड़ा लसी लसी हो रहा है अच्छा मैं इसको पकड़ती हूँ और आप दो पकड़ लें मैं एक पकड़ लेती हूँ This is yours This is yours Let's go चलो अच्छा मेहमान गरम गरम दम से हमने निकाल तो लिए आई होप सबको पसंद आ जाए So the wait is over बिरयानी गरम गरम आप लोग इसको डालना स्टार्ट करें और फिर बताएंगे कैसे अभी भी डालिएगा बैठो आयशा हाँ भाई कुछ सीखा जी बहुत जबरदस्त क्या क्या सीखा बिरयानी भी हेल्दी होती है ये बताओ कि बिरयानी हेल्दी तो होती है लेकिन अच्छी लगी टेस्टी लगी हमें अच्छी लगी ऐसा तो नहीं लगा चावल बहुत ही कम है और मसाला हद से ज्यादा है नहीं 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 अच्छी लगी बहुत ही तो फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट है जी और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं खुद डिजाइन किए हैं जी क्योंकि मैंने यहीं से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है जो कि USAID का प्रोग्राम था और उसके बाद मैंने काफी कुछ सीखा और थोड़ी अर्निंग भी हो रही है जैसे थोड़ा बहुत बिजनेस चल चुका है मेरा और आज मैंने आपने जैसे सिंधी बिरयानी बनाना सिखाई वो भी मेरे बहुत काम आई थी क्योंकि मैं बिरयानी की बहुत शौकीन हूँ बनाने नहीं आती वो अलग बात है जी अब आ गई वो भी एक घंटे में वाह और आपने भी डिजाइनिंग सीखी यस कितने टाइम में आपने सीखी डिजाइनिंग मेरी 2 months की ट्रेनिंग हुई थी जिसमें मैंने यहाँ से सीखा था और मैंने यहाँ से जो ट्रेनिंग की थी उसकी वजह से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो मैंने खुद ही स्टिच किया और डिजाइनिंग मैंने खुद किया वाओ दिस इज वेरी नाइस थैंक यू मैडम 1 घंटे में हमने मास्टर क्लास दे तो दी बिरयानी भी बन गई लेकिन आपको कैसी लगी बहुत टेस्टी है थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसी ज़्यादा है लेकिन जब सिंधी बिरयानी आपने बनाई और टेस्टी ना हुई तो हो ही नहीं सकता लेकिन बाकी इतने कम टाइम में जो हमने आपको चैलेंज दिया था और आपने बहुत अच्छी बिरयानी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया यार आयशा लंग इज्जत रखी बिरयानी भी पक गई चिकन भी कच्ची नहीं रही मजे की भी बनी चीजें भी नहीं थी लेकिन हमने मैनेज कर ली मास्टर क्लास भी दे दी और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर बिल्कुल बिल्कुल आज का दिन तो बहुत ही एक्साइटिंग चैलेंजेस से भरा हुआ लेकिन फाइनली हमने सारे चैलेंजेस को फुलफिल कर लिया अब हम आपसे मिलेंगे एक नए दिन एक नई जगह और एक नए चैलेंज के साथ तब तक के लिए टेक केयर हाफिज चुके हैं उमरकोट जहाँ पे बहुत शदीद गर्मी है मैं आज इनको ये
बता रहे हैं फैमिली मिलाने के बारे में।